I welcome you all students to another lecture of Understanding Radiotherapy. This presentation is prepared by ASTRO, American Society for Therapeutic Radiology and Oncology. It is said that radiation has been effective tool for treating cancer for more than 100 years. Radiation ka use 100 साल से ज़्यादा पहले से किया जा रहा है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए. रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट आर डॉक्टर्स ट्रेन टू यूज़ रेडिएशन टू इरेडिकेट कैंसर. और जितने भी कैंसर पेशेंट्स रहते हैं, 2/3 ऑफ ऑल द कैंसर पेशेंट्स, इनको रेडिएशन थेरेपी दी जाती है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट प्लान. नाउ व्हाट इज रेडिएशन थेरेपी? इसके पहले हमने देखा था रेडिएशन थेरेपी क्या है. रेडिएशन थेरेपी वर्क्स बाय डैमेजिंग द डीएनए विद इन कैंसर सेल. और डीएनए डैमेज होने से उसकी जो रिप्रोड्यूस होने की कैपेबिलिटी रहती है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. जैसे कि आप जानते हैं कैंसर सेल्स बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं. व्हेन द डैमेज्ड कैंसर सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय रेडिएशन, द बॉडी नेचुरली एलिमिनेट्स देम. वो एलिमिनेट हो जाते हैं. नॉर्मल सेल्स कैन बी अफेक्टेड बाय रेडिएशन बट दे आर एबल टू रिपेयर देमसेल्व्स. समटाइम्स रेडिएशन थेरेपी इज द ओनली ट्रीटमेंट ए पेशेंट नीड्स. जैसे कि अगर ट्यूमर के केसेस है तो उसमें रेडिएशन थेरेपी ही काफ़ी होती है. अदर टाइम्स इट इज कम्बाइंड विद अदर ट्रीटमेंट लाइक सर्जरी एंड कीमोथेरेपी. लेट अस सी द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन थेरेपी. द फर्स्ट पेशेंट वॉज ट्रीटेड विद रेडिएशन 1896, 2 months after the discovery of X-rays. आपको पता है X-rays का discovery रॉन्जन ने कब की थी? So sir, रॉन्जन ने 1896 में X-rays की discovery की थी और तुरंत उसके 2 महीने बाद ही cancer के treatment के लिए radiations का use किया गया था. Back then both doctors and normal non-physicians treated cancer patients with radiation. धीरे धीरे technology advance होती गई और 1950s में रेडियो एक्टिव एलिमेंट का भी इसमें यूज़ किया गया और उसके बाद में लीनियर एक्सेलरेटर्स का यूज़ होना शुरू हो गया. रिसेंट टेक्नोलॉजी एडवांसेस हैव मेड रेडिएशन मोर इफेक्टिव एंड प्रिसाइज. मेथड्स ऑफ डिलीवरिंग रेडिएशन थेरेपी, जैसे कि आप देख रहे हैं अर्ली 1950s में लीनियर एक्सेलरेटर का डिज़ाइन कुछ इस तरह से था एज गिवन इन द ब्लैक एंड वाइट पिक्चर. और आज लीनियर एक्सेलरेटर बहुत ही एडवांस हो चुका है और उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह है जैसे कि राइट हैंड साइड में कलर्ड फिल्म पिक्चर में दिया गया है. किस तरह से हम रेडिएशन थेरेपी का यूज़ करते हैं? रेडिएशन थेरेपी 2 तरीके से यूज़ की जाती है. एक तो कैंसर को क्योर करने के लिए और दूसरा जो सिम्टम्स होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए. कैंसर को क्योर करने के लिए जो कैंसरस ट्यूमर्स रहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स रहते हैं, वो उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है यूजिंग एक्सटर्नल बीम रेडिएशंस और ताकि वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड ना हो. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिड्यूस द रिस्क दैट कैंसर विल रिटर्न आफ्टर सर्जरी और कीमोथेरेपी. सिम्टम्स को रिड्यूस करते हैं हम लोग. श्रिंक ट्यूमर्स आफ्टर अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ लाइक ए लंग ट्यूमर दैट इज कॉजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. तो जो कैंसरस सेल्स डेवलप हुए हैं, ट्यूमर्स डेवलप हुए हैं, उसकी वजह से जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं उन सिम्टम्स को कम करने के लिए भी इस थेरेपी का यूज किया जाता है. नाउ लेट अस मीट द रेडिएशन ऑन्कोलॉजी टीम. जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था, जो पूरा फुल स्टाफ होता है रेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए तो उसको रेडिएशन ऑन्कोलॉजी टीम कहा जाता है. इसमें हमने देखा था रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट रहते हैं, दे आर द डॉक्टर्स हु ओवरसीज द रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट्स. उसके बाद में मेडिकल रेडिएशन फिजिसिस्ट रहते हैं जो इंश्योर करते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट प्लान्स और प्रॉपरली दी जा रही है पेशेंट को, इस बात का फुल सुनिश्चित करने का काम उनका होता है. डोसीमेट्रिस्ट रहते हैं. दिस डोसीमेट्रिस्ट दे वर्क विद द रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड मेडिकल फिजिसिस्ट टू कैलकुलेट द प्रॉपर डोज. हर एक पेशेंट को उसके अंदर जो ट्यूमर्स डेवलप हुए उसके मुताबिक कितना डोज दिया जाना चाहिए इसका कैलकुलेशन डोसीमेट्रिस्ट करते हैं. रेडिएशन थेरेपिस्ट रहते हैं जो कि एडमिनिस्टर करेंगे, पूरे ट्रीटमेंट को सुपरवाइज किया जाता है. रेडिएशन ऑन्कोलॉजी नर्सेज रहते हैं जो कि केयर करते हैं पेशेंट के, उसके फैमिली के, उनको एजुकेट करने के लिए, उनको इमोशनल सपोर्ट करने के लिए और जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको किस तरह से मैनेज किया जाता है ये बताने के लिए रेडिएशन ऑन्कोलॉजी नर्सेज रहते हैं.
टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी हमने लास्ट टाइम में भी देखा था, दो तरह की रेडिएशन थेरेपी होती है, एक्सटर्नली एंड इंटरनली दी जाने वाली, डिलीवर किए जाने वाली। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी जो है लीनियर एक्सेलरेटर के थ्रू दी जाती है। इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी जिसको हमने देखा था ब्रैके थेरेपी कहा जाता है, जिसमें सीट इम्प्लांट किए जाते हैं, रेडिएक्टिव सोर्सेस इम्प्लांट किए जाते हैं पेशेंट के बॉडी के अंदर, और वो जहाँ पर भी ट्यूमर है उसके आसपास में कहीं रेडिएशन रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाला जाता है, और उन रेडिएशंस की वजह से उस ट्यूमर का को डैमेज किया जाएगा ताकि वो ग्रो ना हो। द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट यूज विल डिपेंड ऑन द लोकेशन, साइज एंड टाइप ऑफ द कैंसर। प्लानिंग कैसे की जाती है, जो पूरी टीम हमने देखी थी ऑन्कोलॉजिस्ट की टीम है वो किस तरह से प्लान करती है, तो सब कुछ पहले कंप्यूटर पे पूरा सिमुलेट किया जाता है, उसके बाद में ही रेडिएशन दिए जाते हैं। हर एक प्लानिंग के लिए सबसे पहले इमेजेस तैयार किए जाते हैं, इमेजेस सिटी स्कैन से एमआरआई से पूरे इमेज डेवलप किए जाते हैं, उसको मार्किंग करके प्रॉपरली जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं इस तरह से मार्क किया जाता है, इस ट्यूमर को हमें बम्बार्ड करना होगा एक्सटर्नल रेडिएशन से, तो पूरा सिमुलेट पहले करते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे और बाद में ही ये चीज़ें रेडिएशन से वो दी जाती है। तो डॉक्टर्स जो है वो सेवरल मेथड डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जैसे स्किन मार्किंग और टैटूज यूज़ किए जाएंगे कि पर्टिकुलर उस जगह पर ही हमें रेडिएशन देने हैं, और इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस यूज़ करते हैं जैसे कि कास्ट मोल्ड्स बनाए जाते, फ्रेम्स तैयार किए जाते हैं फ्रेम्स को रखकर स्पेशली, ताकि बॉडी के दूसरे पार्ट्स जो है वो अफेक्ट ना हो और पर्टिकुलरली उसी जगह पर रेडिएशन दी जाए जहाँ पर कि हमें देना है। एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी जैसे हमने देखा लेनैक वगैरह से हम देते हैं एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी। स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी दो अलग अलग यहाँ पर टाइप्स आपको बताए हुए हैं, एक है थ्री डायमेंशनल कन्फॉर्मल रेडिएशन थेरेपी जिसमें सीटी और एमआरआई स्कैंस यूज़ किए जाते हैं थ्री डायमेंशनल पिक्चर डेवलप करने के लिए ट्यूमर का, और बीम्स जो है वो उसी जगह पर डायरेक्ट किए जाएंगे जहाँ पर्टिकुलरली, ताकि हमें थ्री डायमेंशनल पिक्चर अगर इस तरह से फॉर्म हो जाती है तो द डॉक्टर्स इट इज इजी फॉर द रेडियोग्राफर्स एटसेट्रा टू डायरेक्ट द बीम एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सेकेंड टाइप है इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी IMRT जिसे कहा जाता है, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ 3D CRT और रेडिएशन इज ब्रोकन इनटू मेनी बीमलेट्स, बहुत ही छोटी छोटी बीमलेट्स में रेडिएशन को ब्रेक किया जाएगा, एंड द इंटेंसिटी ऑफ ईच कैन बी एडजस्टेड इंडिविजुअली, हर एक इंटेंसिटी को अलग अलग वे में एडजस्ट करके उस जगह पर फोकस किया जाता है। एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी में और जो अलग अलग टाइप आते हैं वो है प्रोटॉन बीम थेरेपी जिसमें प्रोटॉन्स यूज किए जाते हैं एक्सरेज की जगह पर टू ट्रीट सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर। इट अलाउज द डॉक्टर्स टू बेटर फोकस द डोज ऑन द ट्यूमर विद द पोटेंशियल टू रिड्यूस द डोज टू नियर बाय हेल्दी टिश्यूज। उसके बाद सेकेंड एक और टाइप आती है न्यूट्रॉन बीम थेरेपी का भी यूज़ किया जाता है जिसमें स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ रेडिएशन थेरेपी, दिस इज ऑल्सो स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ रेडिएशन थेरेपी विच कैन बी यूज टू ट्रीट सर्टन ट्यूमर्स दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू किल यूजिंग कन्वेंशनल रेडिएशन थेरेपी, जिसमें जैसे एक्सरेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली, उससे अगर ये कैंसरस सेल्स किल नहीं होते तो न्यूट्रॉन बीम थेरेपी का यूज़ किया जाता है। देन वी हैव स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी, समटाइम्स कॉल्ड एज स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। This technique allows the radiation oncologist to precisely focus beams of radiation to destroy certain tumors, sometimes in only one treatment. एक treatment में ही ये surgery की जा सकती है। Second जो type था वो है internal radiation therapy. इंटरनल रेडिएशन थेरेपी जिसको कि हमने देखा था ब्रैके थेरेपी कहा जाता है, और ब्रैके जो वर्ड है एक ग्रीक वर्ड होता है, इट इज़ यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। तो इसमें रेडिएशन सोर्सेस प्लेस किए जाएंगे ट्यूमर की जगह पर या ट्यूमर के पास में, सो दैट लार्ज डोजेस कैन हिट द कैंसर सेल। इट अलाउज मिनिमल रेडिएशन एक्सपोजर टू नॉर्मल टिश्यू, क्योंकि अब वो जो रेडिएक्टिव एलिमेंट है बॉडी में प्लेस किया जा रहा है तो बाकी बॉडी पे रेडिएशंस का असर नहीं होगा। रेडियोएक्टिव सोर्सेज यूज आर थिन वायर्स रिबन्स कैप्सूल्स या फिर सीड्स, दिस कैन बी आइदर परमानेंटली और टेम्परेली प्लेस्ड इन द बॉडी। अब इतने जो रेडिएशन थेरेपी दी जाती है इसका क्या साइड इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट्स जनरली स्किन के ऊपर देखी जाती है, स्किन टेंडर हो जाएगी, रेडिश कलर की स्किन दिखाई देने लगती है उस एरिया के सराउंडिंग की।
कीमोथेरेपी में जैसे आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि हेयर लॉस होता है, नोजिया होता है, तो वोमिटिंग सेंसेशन जिसे कहते हैं हम लोग, ये चीज़ इसमें रेडिएशन थेरेपी में नहीं होगी। वो साइड इफेक्ट्स बिगिन ड्यूरिंग द सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ ट्रीटमेंट। हमने इसके पहले भी देखा था कि ट्रीटमेंट काफ़ी वीक्स चलते हैं और हर दिन का डोज डिसाइडेड रहता है कि पर्टिकुलरली आज कितना डोज देना है, कल कितना डोज देना है। सो सेकेंड और थर्ड वीक के बाद में ही आपको इसके साइड इफेक्ट्स नज़र आने शुरू होंगे। साइड इफेक्ट्स में लास्ट फॉर सेवरल वीक्स आफ्टर द फाइनल ट्रीटमेंट। नाउ द क्वेश्चन ऑलवेज वी हैव इज वेदर द रेडिएशन थेरेपी इज सेफ। Many advances have been made in the field to ensure it remains safe and effective. जैसे जैसे हम साइंस में आगे बढ़ रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो एडवांसमेंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, इस चीज़ पर पूरा ध्यान दिया जाता है, इसको सुनिश्चित किया जाता है कि ये जो थेरेपी है वो सेफ हो, ज़्यादा बाकी के जो नॉर्मल सेल्स है वो डैमेज ना हो, उन पर ज़्यादा असर ना हो। मल्टीपल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स डेवलप एंड रिव्यू द ट्रीटमेंट प्लान टू इंश्योर दैट द टारगेट एरिया इज रिसीविंग द डोज ऑफ रेडिएशन नीडेड। The treatment plan and equipment are constantly checked to ensure proper treatment is being given. So this is all about basic information we can say about understanding radiotherapy. The presentation is prepared by ASTRO, the American Society for Therapeutic Radiology and Oncology. If you want to have more information, you can visit the site www.astro.org and find more about more ways to treat various types of cancers. Thank you very much.